नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारे देश ने एक नई जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी विकसित की है, हम उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो कि मिट्टी की जो किसान भाई है, किसान भाइयों के लिए जो मिट्टी के लिए जांच है, उसके लिए है, बड़ी ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए, जो आने वाला समय है उसके लिए। तो दोस्तों, उससे पहले आप सभी दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में जो घंटी का बटन है, बेल आइकन है, उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं, जैसे कि हमारे हर जो डिस्ट्रिक्ट है, तहसील स्तर पर लगभग जो मिट्टी की जाँच है वो गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में की जाती है। लेकिन जो हाल ही में हम बात करने वाले हैं, आज जो भारत के अंदर जो कृषि विज्ञान अनुसंधान है, मध्य प्रदेश के अंदर जो भोपाल के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, वहां पर एक नई तकनीक विकसित की गई है, और वह जो तकनीक है न्यूरो, यानी कि नरेसी, एक कन्या जो देश है, उस कन्या देश से एक मशीन को हमारे देश में लाया जाता है, और उस मशीन से मिट्टी की जाँच की जाएगी। तो इसके लिए कैसे कैसे जो प्रोडक्ट जुटाए गए हैं, हम उसके बारे में विस्तृत से बात करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप भी किसान हैं और किसी भी प्रकार की समस्या है, किसान की कृषि कोई योजनाएं हैं किसी भी प्रदेश से, तो आप अगर समस्या आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं, जो एक मशीन केन्या से लाई गई है, और वो एक मशीन, छोटी सी मशीन है, ज्यादा बड़ी नहीं है, और उस मशीन का फायदा क्या है कि जब हम अब हमारे पास जो हमारे देश में जो तकनीक है, अगर हम मिट्टी की जांच कराने जाते हैं तो वैसे तो गवर्नमेंट के जरिए से फ्री में होती है, लेकिन कम से कम एक सैंपल, एक मिट्टी की जो जांच होती है, उसको जो उसके अंदर मिट्टी के अंदर जो खनिज पदार्थ है, जो पोषक तत्व है, उनकी मात्रा ज्ञात करने के लिए कम से कम 2-3 घंटे का समय लग जाता है, और हमें भी रिपोर्ट मिलने में काफी समय लग जाता है, कई बार सप्ताह भर भी लग जाता है, कई बार महीना भी लग जाता है। और अगर हम बाहर से जांच करवाते हैं तो हमारी जो जांच होती है 500-700 रुपए पड़ती है, गवर्नमेंट से फ्री में होती है, तो लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर भी उस मशीन को चलाने का व्यय और जो उसकी जो लागत होती है वो ज्यादा बैठती है। लेकिन ये मशीन क्या है, इस मशीन में मिट्टी के कुछ कण रखे जाते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि ये जो मशीन है, ये सिस्टम है, किस प्रकार से काम करता है। तो इसमें क्या है, एक प्लेट होती है, और प्लेट में कुछ मिट्टी के कण उसके ऊपर रखे जाते हैं, और एक यंत्र है, वो यंत्र इसके ऊपर क्या करता है, तरंग डालता है, और कुछ तरंग होती है, वो मिट्टी के ऊपर, उस कणों के ऊपर तरंग गिरती है, और उन तरंगों से वो मिट्टी के अंदर जो जो कण है उनकी जो जानकारी है वो सारी निकल आती है। जिस प्रकार जैसे कि हम एक्सरे वगैरह करवाते हैं, उसी प्रकार वो सिस्टम काम करता है, और फिर उसका एक ग्राफ है, जो एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो हमारा कंप्यूटर होता है, हमारी जो स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन पे शो हो जाता है, और हमें पूरी की पूरी चीज दिखा देता है कि कितने प्रतिशत इसमें कौन से पदार्थ है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, पानी की जो क्षमता ग्रहण करने की, मिट्टी की जो पानी की क्षमता ग्रहण करने की कितनी है, तो सारी की सारी जो विशेषता, जो मिट्टी के अंदर किस प्रकार का जो पदार्थ है, जिसकी अधिकता है, जिसकी कमी है, उनको दिखा देता है। और ये सारी जो प्रोसेसिंग के लिए जो समय लगता है वो मात्र 12 सेकंड का समय लगता है। अब आप सोच नहीं सकते कि 12 सेकंड में आप गए, आपका जाने का आने का समय लगेगा, बल्कि मशीन है, मशीन के जांच करने का समय के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो थी मशीन की बात की किस प्रकार से काम करती है। अब ये अभी जो हमारे आम आदमी हैं, आम नागरिक, आम किसान भाई हैं, उन तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि अभी इसको गवर्नमेंट से पूर्ण रूप से अनुमति नहीं मिली है। एक बार अगर इसको अनुमति मिल जाती है, इसमें खर्चा भी बहुत कम बैठ आता है, जो गवर्नमेंट की जो लागत है वो भी बहुत कम आती है। तो अगर गवर्नमेंट इसे परमिशन दे देती है तो ये हमारे देश के जितने भी जो कृषि प्रयोगशालाएं हैं, कृषि की जो लैब है, उस लैब के अंदर पूर्ण रूप से विकसित कर दी जाएंगी, और आपको मात्र ही 12 सेकंड के अंदर आपकी जो मिट्टी की जांच है वो मिल जाएगी। तो ये सभी पदार्थों की,
ये क्या है कि जो हमारी परंपरागत जो तकनीक है मिट्टी जांच करने की, उससे कम समय लगता है। दूसरा कि जो व्यय आता है, जो लागत आती है, खर्चा आता है, वो भी बहुत कम आता है। तो दोस्तों इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारे को जल्दी जांच मिल जाएगी, हमारी जो समस्या है उसका जल्दी समाधान भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही जानकारी। अगर आपने को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी का बटन है, इस पर क्लिक करके और जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। तो दोस्तों कुछ भी अगर किसी भी प्रकार की जो समस्या है खेती से रिलेटेड आपको है, आपके इलाके में कुछ प्रकार की कोई नई आपको समस्या है, तो उसको भी आप हमें कमेंट करके बताइए, हम लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो जो कुछ योजनाएं हैं, कुछ यंत्र जो हमारे कृषि के लिए कामयाब है, हमारे लिए अच्छे होने वाले हैं, तो उनके बारे में भी हम आपको जो योजनाओं के साथ साथ जानकारी देते रहेंगे। कभी कभी जो मंडी के जो रिलेटेड भाव है वो भी आपके लिए उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।